उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाई गई, जिसमें 6 फरवरी को सदन के एजेंडों पर चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष ने कार्य मंत्रणा की बैठक का वर्कआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा की समिति से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन कर रही है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको दरकिनार कर काम किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रश्नकाल से लेकर कार्य स्थगन की सूचना देने की बात है, लेकिन ये सरकार इस सत्र को विशेष सत्र बात कर ना तो प्रश्नकाल चला रही है और ना ही कार्य स्थगन के सवाल ले रही है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडूरे ने कहा कि उन्हें विपक्ष के इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनके पास किसी का कोई इस्तीफा आया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उससे हमने बहिष्कार किया है, माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी और मैं स्वयं हमने इस बैठक का बहिष्कार किया है। कार्यमंत्रा समिति की जो सिफारिशें होती हैं वो संसदीय मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, जो कल का एजेंडा निर्धारित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन सरकार का मंतव्य, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है कि संख्या बल के आधार पर तत्काल, हमने कहा उनसे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों, क्या आप सदन को दो दिन में, सत्र को दो दिन में समाप्त करना चाहते हैं? हमारे पास पर्याप्त समय है। हमने कहा कि आप जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं, जो हमारे प्रश्नकाल है, जो अन्य कार्य हैं, उसके बाद आफ्टर लंच इसको ले करें, सदन में पटल पर प्रस्तुत करें, उसके बाद परसों चर्चा होनी चाहिए, 7 तारीख को इस पर चर्चा होनी चाहिए। 7 और 8 दो दिन हमारे पास पर्याप्त समय है और रात तक भी हाउस चल सकता है, ये क्या बात देता है? लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। देखिए, ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं आई, उन्होंने ज़रूर वो उठे वहाँ से, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास नहीं आई।